नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी फोन पे चलाते हैं और दोस्तों अगर आप भी फोन पे एप्लीकेशन पे आपका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है उसको चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरा बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन पे आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके फोन पे एप्लीकेशन पे एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, दो बैंक अकाउंट है या तीन बैंक अकाउंट है, और दोस्तों यहाँ पे अगर आपका कोई यहाँ पे अगर आपको कोई पैसे सेंड करता है, कोई फोन पे एप्लीकेशन में पैसे सेंड करता है, तो आपका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है उसमें पैसे आपके रिसीव होते हैं। तो अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो रिसीवर बैंक अकाउंट है वो चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन में आपका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है। फोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर ऊपर यहाँ पे आपको प्रोफाइल आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आ जाता है प्रोफाइल एंड पेमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आएंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट मेथड्स का। तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट आता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आते हैं, फोन पे वॉलेट आता है, फोन पे गिफ्ट कार्ड आते हैं, यूपीआई लाइट आता है और रुपए क्रेडिट कार्ड होता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं जो कि आपके फोन पे एप्लीकेशन में कनेक्टेड वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट्स आ चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जिस भी बैंक अकाउंट जो भी बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पे प्राइमरी बनाना है, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट वाला जो आपका बैंक अकाउंट है वो हमेशा आपका प्राइमरी होता है। अब दूसरे वाले बैंक अकाउंट को प्राइमरी बनाए, देखिए ये फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बैंक अकाउंट है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है प्राइमरी, सेट एज प्राइमरी, और ये जो है आपका बैंक अकाउंट प्राइमरी अकाउंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों, किसी भी बैंक अकाउंट को प्राइमरी बनाने के लिए उसको आपको दूसरे वाले बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये दूसरे वाले बैंक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट बनाना है, तो इस पे मेरे को क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेट एज प्राइमरी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक टिक वाला एक ऑप्शन दिखा देना है, तो आपको सिंपली इसको टिक कर देना है। तो इसको जब आप टिक करेंगे तो ये बोलेगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू चेंज योर डिफॉल्ट बैंक अकाउंट, तो कन्फर्म वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, अब ये जो है आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट यहाँ पे चेंज हो चुका। अब यहाँ पे जब आप बैक करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइमरी बैंक अकाउंट होता है वो प्राइमरी बैंक अकाउंट जो होता है वो ऊपर आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट ये दूसरा वाला जो प्राइमरी बैंक जो बैंक अकाउंट है वो ऊपर आ चुका है, यानी कि ये प्राइमरी बैंक अकाउंट अब बन चुका है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन में आपका जो है प्राइमरी बैंक अकाउंट जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते हैं हर महादेव शंभु जी भोलेनाथ।